दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आजकल दोस्तों मैं देख रहा हूँ जो गोदी मीडिया है, आज के डेट पे मीडिया इतना गंदा मतलब हो चुका है कि एक सही कार्य करने वाले को, एक सही काम करने वाले को इज्जत अफजाई देने के बजाय एक जो रैंक में जो सबसे पीछे जो रहते हैं, जो सबसे मतलब काम में जो है पीछे रहते हैं, उनको आगे दिखाकर उन्हें प्रोत्साहन करते हैं। मगर एक कोई भी व्यक्ति हो, वो जो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और एक दो नंबर पे रहता है, जो रैंक में आता है, उनको प्रोत्साहन देने के बजाय उनको जो है मीडिया में नाम तक नहीं लिया जाता। मैं आज बात कर रहा हूँ इंडिया में टॉपर कुछ लोगों की, जिनमें आपको शायद जानकारी ना हो, बताना चाहता हूँ कि इस साल 2022 जो है एनडीए टॉपर जो रहे रुबिन सिंह, ये रहे, और आपका एक पीछे लड़की है जो कि अनुष्का बोर्डे, और तीसरे नंबर पर रही वैष्णवी गोडे। ये तीनों जो है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है रैंक में रहे। बाकी और भी रहे बहुत सारे, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता। फिलहाल इन लोगों में मैं कुछ चीज़ आपको जो है मैं आज बताना चाहता हूँ। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ और यूट्यूब में भी, एक लड़की है जो कि केरल की है, वो रैंक में 149 लेकर आई है। सोचिए 149, और कहाँ 1 2 3 रैंक। आप खुद एक चीज़ बताइए, किसका आप चर्चा करेंगे, एक 149 रैंक लाने वाले का, या फिर एक दो तीन रहे जो मेहनत करके आज जो है इस मकाम तक पहुंचे, आप उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उसका प्रोत्साहन बढ़ा कर उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या उन लोगों को बढ़ाएंगे जो कि आपका 100 से ऊपर जो है। मैं नहीं कहता कि वो मेहनत नहीं किया, मेहनत किए, वो भी मेहनत किए हैं, लेकिन आप उन मेहनत करने वालों को जो जी जान लगा कर जो है पूरा हर चीज़ खाना पीना छोड़कर जो मेहनत करते हैं और एक नंबर दो नंबर तीन नंबर रैंक पे आकर जो है ये सोचते हैं कि हाँ हमारा नाम होगा, हर कोई हमें जानेगा, लेकिन मीडिया में देखिए उनका नाम तक जो है चर्चा नहीं किया जाता। तो ये मीडिया की दलाली नहीं है तो आप क्या कहेंगे, आप खुद बताइए। मैं देख रहा था उनको भारत की बेटी कहा जा रहा है, भारत की बेटी 149 रैंक में लाकर जो है पहला मुस्लिम फाइटर प्लेन, ये वो फलना ढिकना, दुनिया भर का जो है उनका नाम पे जो तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां दो और तीन नंबर में लाई हैं, आप ये सोच के देखिए वो कितने मेहनत किए होंगे, मगर उनका कोई नाम तक नहीं, जिक्र तक नहीं करता। तो आप इस चीज़ को खुद डिसाइड कीजिए, ये मीडिया दलाल नहीं है तो क्या है, अब खुद इस चीज़ को सोचिए। आज के डेट पे जो व्यक्ति नाम करता है, नाम कमाता है, जो फेम कमाना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जब वो इंसान को नाम फेम कुछ ना मिले तो क्या उसको मेहनत करने का मन करेगा, उसका मनोबल टूटेगा या नहीं, आप खुद सोच के बताओ। ये मीडिया यही दलाली करती है, जो कि एक मेहनत करने वाले को जो है नाम नहीं लेती, ना ही वो उसका बारे में चर्चा करती है। दोस्तों मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना हो सके इस मीडिया जो है दलाली मीडिया से जो है दूरी बनाए रखें, और जो भी ऐसा अगर करता है तो उन्हें आप कमेंट करके लिखें इस चीज़ को, आप उन्हें बोलें कि आखिर उनका बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाती है। आप पब्लिक हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो है इस चीज़ को जाहिर कर सकते हैं, और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि इस दलाल मीडिया के बारे में बाकी लोग भी जान सकें। और कहना चाहता हूँ इन बच्चों ने जो किया है
इनको यार एक लाइक सब्सक्राइब करो यार, इनका इनके लिए कमेंट करो यार आप लोग, ताकि जैसे बच्चों को और भी जो है आप लोग का प्यार देखकर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले, वो भी आगे बढ़े। आप लोग प्लीज़ यार कमेंट लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, ताकि इन जैसे जो बच्चे आगे बढ़ें और उनका जो भी इस तरह जो मेहनत करने वाले हैं बच्चों का, मैं अपने वीडियो में लाकर उनका जो भी है जितना भी प्रचार कर सकूं करूं, और उनके मेहनत को मैं सराहना दूं, और आप भी उनके मेहनत को सराहना कीजिए। और कहना चाहता हूं, इसके अलावा आपका एक आर्मी चीफ जो है, उन्होंने इनको बधाई दी ट्विटर में। आपका उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, मेजर जनरल यशमोर जी जो है, उन्होंने ट्विटर में उनको अनुष्का जी को बधाई दी। इस तरह आप लोग भी यार ट्वीट कीजिए, बधाई कीजिए, उन लोगों को बधाई दीजिए, जितना हो सके इस चीज़ को शेयर कीजिए यार उनको, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या फिर व्हाट्सएप में, सभी मिलके उन्हें बधाई दीजिए, ताकि उन्हें भले ही मीडिया उन्हें हेल्प ना करे यार, मीडिया उन्हें ना दिखाए, लेकिन आप लोग जो है इस चीज़ को सराहना कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।